डोजर सामने आ गया है, जी न्यूज के पास कॉपी है डोजर की, देखिए ट्रूडो सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए ये डोजियर बकायदा कनाडा को दिया गया था, ये तमाम जो केसेस रजिस्टर्ड हैं ये यूके, जर्मनी और यूएसए जैसे देशों को दिए गए थे। पिछले हम 4-5 साल से अगर बात करें तो जो भी खालिस्तानी एक्टिविटीज इन देशों में हो रही है इसके तमाम सबूत दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद कनाडा सरकार ने, जस्टिन ट्रूडो सरकार ने जिस तरीके से इन जो टेररिस्ट अगर आप ये कहें तो गलत नहीं होगा, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टे सारे सबूतों को उन्होंने इग्नोर किया, हमारी एजेंसीज के बारे में ये कहा कि हमें और सबूत चाहिए। कितने रेड कॉर्नर नोटिस इनके खिलाफ हैं ये हम सारे जानते हैं कि इस वक्त सिख फॉर जस्टिस का जो हेड है वो कहाँ पर है। इसके साथ ही तमाम जो खालिस्तानी हैं किन किन देशों में है, खासतौर पर अगर कनाडा को देखें, जिस तरीके से विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की तरह सेफ हेवन बनता जा रहा है एक तरीके से कनाडा, यहाँ अगर हम हरदीप निज्जर की बात करें, देखिए हरदीप निज्जर के खिलाफ जो एविडेंस तैयार किए गए उसे देखकर यही लगता है कि वो बहुत बड़ा टेररिस्ट था। जिस तरीके से पाकिस्तान गया, उसने ट्रेनिंग ली, कैसे उसने सिरसा में जो डेरा सच्चा सौदा है उस पर खुद आतंकी हमले कराने की प्लानिंग तैयार की, वो भारत आया, आना चाहता था लेकिन आ नहीं पाया क्योंकि हमारी एजेंसी जानती थी कि उसकी टेरर इन्वॉल्वमेंट है। उसके साथ ही अगर इस डोजियर को अगर आप देखें तो तमाम इसमें केसेस है, एक एक केस की डिटेल है, पूरी मॉडस अपरेंडाई है कि कैसे भारत को डिस्टेबलाइज करने की पूरी प्लानिंग तैयार की गई। दूसरी बड़ी बात आप सिख फॉर जस्टिस के गुरुपद सिंह को भी देखेंगे और उसके खिलाफ पंजाब में या बाकी जगहों पर जो केसेस रजिस्टर्ड हैं कई जगह पर, चाहे आप हेट क्राइम की बात करें, दंगा कराने की बात करें, इस तरीके के बयान दिए गए। देखिए ये वही डोजियर है, देखिए हरदीप सिंह पन्नू, यहाँ पर देखिए हरदीप निज्जर जो है ये तस्वीर में यहाँ पर नजर आ रहा है, एक एक क्राइम की डिटेल इस डोजियर में नजर आ रही है। और देखिए ये जी न्यूज के पास कॉपी आई है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं आपराधिक रिकॉर्ड की ये जो फाइल है ये इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको, किस तरह से सुरक्षा एजेंसियों की जो ये रिपोर्ट है उसमें बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है, ट्रूडो सरकार जो है एक्सपोज हो गई। और जी न्यूज के पास ये निज्जर की डोजर की कॉपी, गुरपतवन समेत कई खालिस्तानियों की डोजर कॉपी जो है सामने आई है। और देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से इस तस्वीर में, इस डोजर में दिख रहा है कि ये जो पूरा रिकॉर्ड है आपराधिक रिकॉर्ड ये हरदीप निज्जर का है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार प्रणय बने हुए हैं। प्रणय, सवाल यहां पर यही उठ रहा है कि अब देखिए डोजर की कॉपी सामने आ गई है लेकिन आखिर अब तक कैनेडियाई सरकार कोई भी कदम क्यों नहीं उठा रही थी, यानी संरक्षण दिया जा रहा था खालिस्तानियों को कैनेडा में? सुप्रीत, इस बात से कोई इंकार नहीं, पहला मामला, अगर आप देखिए तमाम माफ कीजिएगा प्रणय, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, कोशिश करेंगे एक बार फिर से आपसे जुड़ने की, लेकिन ये बड़ा देखिए खुलासा जी न्यूज के पास, ये डोजियर की कॉपी, तस्वीरों में हम आपको बार बार दिखाने की कोशिश भी देख रहे हैं। रोबिंदर सचदेव भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो विदेशी मामलों के हमारे साथ जानकार है वो जुड़े हुए हैं। सचदेव जी, बड़ा सवाल ये कि जिसे ट्रूडो अपना देश का, अपने देश का नागरिक बता रहे हैं वो पाक में भी ट्रेनिंग ले रहा था, उसकी तस्वीर भी सामने आई। जी हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली यस, यू नो आई मीन इंफॉर्मेशन इतनी है, दो चीज हो रही है, या तो कनाडा यू नो जितनी भी एविडेंस हम दे रहे हैं उसको उस लेवल का क्राइम या आतंक नहीं समझ रहा जितना है और जितना हम मानते हैं, और इसके अलावा पीछे बात बेसिकली एक और आ जाती है मंशा की। दिस मीन्स बेसिकली कि ट्रूडो सरकार की मंशा नहीं है यू नो जो हम चीज़ों को उसके साथ सबमिट कर रहे हैं उन पर एक्ट करने की। देखिए ये तो आप बहाना भी बना सकते हैं ना कि मुझे और सबूत दो, और सबूत दो, ये काफ़ी नहीं है और दो। तो ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, बेसिकली मंशा नहीं है ना कैनेडियन सरकार की कि जो मुद्दे हम रख रहे हैं उन पर एक्ट करने की, उनको उतना सीरियसली लेने की, तभी तो इस पे कोई एक्शन नहीं है। जैसे अभी मनीष जी बता रहे थे, आई थिंक करीब 10 से 12 रेड कॉर्नर अलर्ट इंटरपोल इशू कर चुका है और शायद एक ब्लू कॉर्नर भी होता है, 6 वो भी हो रखे हैं अलग अलग लोगों के खिलाफ। उन पे कैनेडियन सरकार क्यों काम नहीं कर रही, क्यों ब्यूरोक्रेसी उनकी, भाई ब्यूरोक्रेसी भी है स्लो हो रखी है, क्यों रुकी हुई हैं फाइलें वहाँ पे, मंशा नहीं है ना पॉलिटिकल लीडरशिप की, एक क्लियर कट नीडल सस्पिशन यही तो जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मंशा ये साफ यहाँ पर नजर आ रही है। बिल्कुल सचदेव जी बने रहिए हमारे साथ, मनीष शुक्ला भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, सबसे बड़ी बात ये है कि ये भी कहा जा रहा है कि ट्रूडो ये सब कर रहे थे राजनीति में अपनी किस्मत चमकाने के लिए, अपनी लोकप्रियता के लिए, लेकिन देखिए जो कदम उन्होंने उठाया, जो बयान उन्होंने दिए हैं, और ऐसे में अब उल्टा ही हो रहा है, उनकी लोकप्रियता तो बल्कि घटती जा रही है।
देखिए बिल्कुल, देखिए जस्टिन ट्रूडो से खुद वहां के लोग, वहां की विपक्षी पार्टीज भी सवाल कर रही हैं, क्योंकि कैनेडियन जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि उनके देश में टेररिस्ट आके रहे, उनके देश में ऐसे लोग रहे जिससे वो खुद इनसिक्योर फील करें। अगर आप दोबारा अगर हरदीप निज्जर के मामले को देखें, जब वो सेंट कहने की बात करते हैं तो वीडियो आते हैं हरदीप निज्जर के, बाकायदा AK-47 उसके हाथ में वो फायरिंग कर रहा है, ये अपने आप में दिखाता है कि कितना सीरियस मामला है। अगर हम एविडेंस की बात करें, देखिए हम डोजियर की बात करें, बकायदा डोजियर में इस बात का मेंशन किया गया है कि किस तरीके से वो पहले इंडिया से कनाडा गया, कनाडा से वो पाकिस्तान आया, उसने वहां जाकर के तारा जो करके एक टेररिस्ट है उसके संपर्क में आया, फिर वो कनाडा गया, वहां से उसने एक और कनाडियन को भेजा वापस पाकिस्तान, 1 मिलियन रुपीज भेजे उसने अपने साथ, और उस के साथ फिर उसने वहां पर कैसे जीपीएस को चलाना है, कैसे हथियारों को चलाना है, यानी पूरा एक मॉड्यूल कनाडा के अंदर खड़ा करने की कोशिश की गई। अगर आप देखें तो कनाडा में पिछले कई महीनों से लगातार गैंग वॉर्स हो रहे हैं, एक एक जो टेररिस्ट हैं या क्रिमिनल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, एक बहुत ही इनसिक्योर माहौल है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के अंदर हम जो खालिस्तानी हैं, ये जो टेररिस्ट हैं, इनके ऊपर कार्रवाई तो कर रहे हैं, लेकिन जो इनके मास्टरमाइंड निज्जर जैसे जो कनाडा के अंदर बैठे हुए हैं या जर्मनी बैठे हुए हैं, सभी से जानकारी हम लेते रहेंगे।